फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निकीज कुकिंग कॉर्नर में। फ्रेंड्स, त्योहार में मसालेदार सब्जी से आपका मन भर गया है तो आज हम आपके लिए लाए हैं भुजिया सब्जी। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी सिंघाड़े का सीजन चल रहा है और बहुत लोग सिंघाड़ा खाना पसंद नहीं करते, जबकि सिंघाड़ा हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए आज हम सिंघाड़े और फूल गोभी की भुजिया सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे आप एक बार खा लिए तो दावा है मेरा कि आप आलू तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सब्जी के लिए हम यहाँ ले लिए हैं 1 किलो सिंघाड़ा। इस सिंघाड़े को हमने बीच से काट कर और फिर इसे छील लिए हैं और इसे अच्छे से धोकर यहाँ पर हम ले लिए हैं। फ्रेंड्स, सिंघाड़े को छीलने के लिए हम बहुत आसान तरीका आपको आगे बताए हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और उसे लास्ट तक देखिएगा। और अब हम यहाँ ले रहे हैं 1 फूल गोभी, इसे भी हम काट कर और साफ से धो लिए हैं। तो अब हम इसे बना लेते हैं। हम यहाँ कढ़ाई गरम कर लिए हैं तो उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। अब तेल को गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम फूल गोभी को उसमें डालकर अच्छे से भूनकर निकाल लेंगे। अब हम इसे चलाते हुए इस तरह से गोल्डन कलर होने तक भून लेते हैं। गोभी को इस तरह से फ्राई करेंगे तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इसे चलाने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही बीच बीच में हम गोभी को कवर लगाकर भूनेंगे तो वो अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और अंदर से वो पक भी जाएगा। फ्रेंड्स, सिंघाड़े और गोभी का ये भुजिया सब्जी आप शायद कभी नहीं बनाए होंगे, इसलिए आप इस स्टाइल से बनाकर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। तो अब गोभी भी हमारी फ्राई हो चुकी है तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो रहा है तो ये देखिए, हम यहाँ लहसुन ले लिए हैं। ये 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं जिसे हम छीलकर छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं। तो अब लहसुन को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। लहसुन हल्का गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। अब जीरा को डालकर ज्यादा देर फ्राई ना करते हुए इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। अब इसमें हींग की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है तो ये देखिए, हम यहाँ पर 4 से 5 कटे हुए मिर्चे ले लिए हैं और 2 बड़े साइज के प्याज पतले में लंबे कटे हुए। तो अब इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं और इसे कुछ सेकेंड तक फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज डालकर भून लेते हैं। प्याज भूनते समय हम फ्लेम को फुल ही रखेंगे और प्याज को हमें भूनकर उसे ब्राउन नहीं करना है, बस उसे ट्रांसपेरेंट होने तक हमें भून लेना है, क्योंकि जब हम सिंघाड़ा को डालकर इसमें भूनेंगे तो सिंघाड़ा के साथ जो बाकी बचे हुए प्याज है वो अच्छे से भून जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि सिंघाड़ा को आसानी से हम कैसे छील सकते हैं। तो इससे पहले ये प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है तो अब हम इसमें सिंघाड़ा डाल देते हैं। फ्रेंड्स, जब आप सिंघाड़ा खरीद के ला रहे हैं तो सबसे पहले उसे आधी बाल्टी पानी में डाल दीजिए और आप देखेंगे कि उसमें कुछ सिंघाड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे हैं और कुछ नीचे तले में बैठ गए हैं। फ्रेंड्स, जो सिंघाड़ा तैर रहा है वो बहुत ही हल्का होता है तो उसे काटकर आप सब्जी के रूप में ले लीजिए और जो नीचे बैठा हुआ है उसे आप कुकर में बॉयल कर काला नमक डालकर खा लीजिए। तो ये है सिंघाड़े को छीलने का बिल्कुल आसान तरीका। फ्रेंड्स, ये सिंघाड़े छीलने के चक्कर में ये देखिए, सब्जी जब हम इसमें डाले थे तो एक बार इसे ढक दिए थे और अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से चला देते हैं और जब ये अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें कवर लगाकर मीडियम फ्लेम पर सिंघाड़े के गलने तक पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए, हम इसे कवर हटाकर एक बार और चला देते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बीच बीच में चलाते हुए और ढक्कन लगाकर सिंघाड़े के आधे से अधिक गलने तक पका लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिंघाड़ा आधे से अधिक गल चुका है तो अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं और इस गोभी को इसमें मिलाकर हम कवर लगा देते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको पहले ही बताए थे कि जब इसमें गोभी या सिंघाड़ा हम डाल देते हैं तो इसे पकने के लिए बीच बीच में कवर लगाकर और इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये सब्जी हमारे अच्छे से पक जाए।
इस गोभी और सिंघाड़े को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सब्जी हमारी 80% तक गल चुकी है, तो अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इससे ये सब्जी बहुत ही चटपटा हो जाएगा। इसे मिलाने के बाद सब्जी को 2-3 मिनट के लिए कवर लगा देते हैं, ताकि जो भी हमने इसमें मसाला डाले हैं वो सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये सब्जी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है और ये बहुत अच्छे से भून भी चुकी है, तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया से सब्जी का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, अब ये सब्जी हमारी बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और आप देख रहे हैं ये देखने में ही बहुत ही स्पाइसी लग रही है, तो आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये सिंघाड़े गोभी का सब्जी आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।